यहाँ शहरवासियों को पेयजल आपूर्ति समस्या से खासा हलाकान होना पड़ रहा है। कुछ मोहल्लों में पानी सुचारू रूप से चालू है तो कुछ को पानी के लिए आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ रहा है। आज कलेक्ट्रेट बांदा में पानी की समस्या से परेशान होकर बलखंडी नामक मोहल्ले के लोगों ने खूब हाहल्ला किया। जल अधिकारी बांदा को ज्ञापन दिया गया जिसमें बताया गया कि वे लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए पिछले 3 महीने से परेशान हैं। उन्होंने समस्या को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप लगाया और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी समस्याओं को ध्यान नहीं दिया गया तो वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पानी की कई महीनों से समस्या है और जल संस्थान बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और प्रशासन मौन है और पूरे मोहल्लेवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कितने दिनों से परेशानी है वहाँ पर? विगत कई माहों से, अप्रैल मई जून। अधिकारियों को कहने पर क्या कहते हैं, क्या जवाब होता है? अधिकारी सो रहे हैं, अधिकारी सो रहे हैं। पानी अधिकारियों को कहना ये है कि आप लोग मोहल्ले भर से चंदा इकट्ठा करिए, आप मोहल्ले से घर घर से चंदा इकट्ठा करिए और मैं आप लोगों का बता दूं ना, नल जुड़वा देता हूँ, कम से कम उसमें 10-15 हजार रुपया खर्चा आएगा। ये पहले बताएं कि अगर हमारे पास इतना पैसा होता, जबकि हम लोग सब बिल दे रहे हैं, किसी का भी बिल कोई बकाया नहीं, अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम काहे को मतलब क्यों ना करते, एक हैंडपंप ना इंतजाम कर लेते, तो ये प्रशासन काहे के लिए है? हम लोग घर घर चंदा इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करे, जन संस्थान के मतलब जो है एक्सीएन को पैसा दे, जो बजट उसका बने, जो एस्टीमेट बने, वो पैसा उठा करके एक्सीएन अपने जेब में डाले और अपने खर्चे में आराम के साथ मौज मारे।